आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए कांग्रेस के साथ राज्य की हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों का मतांतर हो रहा है, आदिवासियों की लगातार जनसंख्या घट रही है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यह मुद्दा उठाया है। संथाल परगना के 5 से 6 जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आरामगाह बनाया गया है और अगर हमारी सरकार बनी तो असम की तरह यहां से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम शुरू होगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान देवघर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष अदालत से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सांसद श्री दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी मजबूती के साथ सुरक्षा बढ़ाई है। केंद्र सरकार की एजेंसी लगातार राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। कई जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, क्या फर्दर एक्शन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर को जो है काफी मजबूत किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो लगातार राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है। कई एक जगह आपने देखा होगा कि एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के सरगना हैं या डिजिटल इकोनॉमी को जो ख़त्म कर रहे हैं। कल भी आपने देखा सारठ में जो है 2 बांग्लादेशी कनेक्शन के लोग आए जो कि साइबर क्राइम के हेड थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर जो ग्रेटर पाकिस्तान और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो नारा है और जिसके लिए कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा कर दिया 1947 में टू नेशन थ्योरी की जो का जो सिद्धांत है उसमें ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है मदद कर रहे हैं, उसके कारण ये घुसपैठ की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब तो आधार के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो या जनधन अकाउंट खोलने की यदि बात हो तो सारे लोग जो है मुखिया और मदरसे इस काम को संचालित कर रहे हैं सरकार के आश्रय पर। मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार यहाँ आएगी उन सबों को जो है निकाल बाहर करने की एक बड़ी प्रक्रिया जैसे कि आसाम में स्टार्ट हुई वैसे ही झारखंड में स्टार्ट होगी, खासकर संथाल। कौन कौन सा जिला? पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है और कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि दुमका है, क्योंकि आदिवासी का मतांतरण हो रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है। कल आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनका कार्यक्रम बगल में गिरिडीह में हुआ उन्होंने भी अपनी ये आशंका जाहिर की और उन्होंने उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो है यहाँ एक बड़ा प्रश्रय या आरामगाह बना लिया है। तो जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये व्यूज़ है तो उसी व्यूज़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो 5-6 जिले ज़्यादा प्रभावित जिले हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर आज नहीं कल कार्रवाई होगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मिराज है। मैंने शॉपकीपर वालों के लिए डिलीवरी एप्लीकेशन लॉन्च किया है जहां पे आप होलसेल रेट में खरीदारी कर सकते हैं और सबसे बढ़िया सेम डे आपको डिलीवरी मिलेगा जी। और आपसे आवेदन करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारा वेबसाइट www.miweezoo.com पे विजिट करें। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलेंगे ग्रॉसरी आइटम, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, चिकन फिश एंड सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेट्रा जी। तो हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से विजिट करें और आज ही हमारे वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट है www.miweezoo.com। तो आशा करते हैं आप गया वासियों से कि हमारे मिजू को सपोर्ट करें और सेम डे डिलीवरी का आनंद लें।